बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम। अब तमाम बच्चों का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। बच्चों, हम अपने ज़िंदगी में कई सारे रिश्ते बनाते हैं, निभाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता होता है हमारा हमारे वालिदैन का, जहाँ हमारे वालिदैन हमें अच्छी बुरी की समझ सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने वालिदैन के साथ सब कुछ शेयर करें, सब कुछ। अफसोस की बात यह है कि बहुत कम बच्चे ये कर पाते हैं, लेकिन क्यों, क्या वजह है? या फिर मैं अपने वालिदैन से पूछना चाहूंगी कि हम ऐसा क्या करें जो अपने बच्चे हमसे शेयर करें। हम कैसे अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो सब कुछ हमारे साथ शेयर करें बिना डरे। या आज मैं आपको बताऊंगी, आज मेरे हाथ इतना खूबसूरत वाकया लगा है कि इस वाक्य के जरिए हमें पता चलता है कि दोनों की, वालिदैन की और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इस वाक्य की जो पर्सनैलिटीज है बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने और अपने बच्चों के रिश्ते की दूरियों को कम कर सकें। आइए देखते हैं क्या है ये वाकया और क्या सीख हासिल करेंगे हम। आइए देखते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, आप सबका इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। अपना नाम बताइए और मुझे आज बताइए कि आप अपने वालिदैन के साथ, मम्मी या डैडी, किसी के भी साथ कुछ बातें शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं या कुछ कुछ बातें, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं? मैं जानना चाहूंगी। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन पंजवानी है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ सब बात शेयर करता हूं। मम्मी डैडी दोनों के साथ? दोनों के, सब कुछ। गुड, आप बताइए। मेरा नाम जैन अब्बास है। मेरी मम्मी डैडी से सब कुछ शेयर करता हूं, पर कुछ चीज़ नहीं शेयर करता हूं, जैसे कि मेरे को स्कूल में डांट पड़ी टीचर से या मेरी फाइट हो गई किसी से, ये आप शेयर नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर है कि शायद मम्मी डैडी चिल्लाएंगे आपको। हाँ, कोई बात नहीं, आप बताइए। मेरा नाम अब्बास अली है। मैं ज़्यादातर सब कुछ शेयर करता हूँ। कभी खेलने में ज़्यादा लग जाता है तो मैं वो बताता नहीं हूँ क्योंकि ये मुझे डांटेगी इसके लिए। अच्छा, गुड, आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं अपने मम्मी डैडी के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ शेयर करता हूँ और थोड़ी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे कभी गुस्सा करे या चिल्लाए। आप क्यों नहीं करते शेयर? क्योंकि आपको डर है कि मम्मी डैडी चिल्लाएंगे। हाँ, ये अक्सर प्रॉब्लम देखी है मैंने बच्चों में। मैं अपने वालिदैन से कहना चाहूँगी कि ये जो आदतें हैं बच्चों की, जो अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर पाते, एक ये रीज़न होता है कि आप शायद बहुत बिजी हैं या फिर आप अपने बच्चों को गुस्सा करते हैं कोई बात के लिए नहीं, कोई वजह, बिना वजह आप अपने बच्चों को गुस्सा करते हैं। अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे तो आपके बच्चे आपसे दूर चले जाएंगे, चीज़ें छुपाने लगेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपसे चीज़ें छुपाएं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आपका बच्चा आपके पास आए, और एक चीज़ भले ही 10 बार क्यों नहीं शेयर करे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब कुछ छोड़ के इस बच्चे की बात सुने। प्लीज़, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप बहुत ऑनेस्ट थे। आप सब लोग जिन्होंने मेरे साथ अभी तक शेयर किया है, आप लोग सब बहुत ऑनेस्ट है, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड, आप बताइए। मेरा नाम सैयद वफी जहरा है और मैं मेरी मॉम के साथ सब सीक्रेट्स शेयर करती हूँ, डैड के साथ नहीं करती हूँ। डर लगता है डैडी के साथ, थोड़ा डर लगता है। यस, अक्सर होता है वो साइकोलॉजिकली। मेरा नाम सना फातिमा है। मैं अपनी मम्मी डैडी के साथ सब शेयर करती हूँ। सब शेयर करती, जो भी होता है, कभी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो वो भी शेयर करते हैं। वेरी गुड, आप बताइए। मेरा नाम अनिशा सैयद है और मैं सिर्फ मम्मी से शेयर करती हूँ और थोड़े से सीक्रेट्स नहीं करती। थोड़ी से सीक्रेट्स शेयर नहीं करते, थोड़े कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, और मम्मी के साथ ज्यादा करते हैं। क्यों नहीं करते सीक्रेट शेयर? डर लगता है शायद मम्मी चिल्लाएंगे, है ना? मुझे भी बहुत डर लगता था, आप बताइए। मेरा नाम फातिमा सैयद है और मैं अपने पेरेंट्स से सब शेयर करती हूँ। सब कुछ शेयर करते हैं, एवरीथिंग। अगर आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाए, कभी आपने कुछ गलत चीज कर ली, तो भी शेयर करते हैं। वेरी गुड, मुझे खुशी है उन बच्चों से जिन्होंने ऑनेस्टली मेरे साथ सब शेयर किया है, मैं बहुत खुश हूँ। ये अक्सर होता है कि जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि या तो माँ बाप बहुत बिजी होते हैं जैसे कि मैंने कहा, या तो उनको झिड़क देते हैं, उनको वो डर बैठ जाता है, गुस्सा करते हैं, तो अगली बार आप में वो हिम्मत नहीं रहती कि वो आप अपने माँ बाप के साथ शेयर करें। एम आई राइट? यस, यही बात होती है। आज मैं आपको एक वाक्य बताऊंगी बच्चों, जिसमें सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि जो वालिदैन मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी सीख है। ये जो वाक्य है वो हिस्ट्री का एक वाक्या है, जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत ही छोटे थे, तब वो क्या करते थे, वो मस्जिद में जाते थे और अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो खुतबा सुनते थे, कभी हदीस सुनते थे या कोई आयत नाजिल हो जाती थी तो वो बहुत ही गौर से सुनते थे। एक बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब मस्जिद गए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वो सुन रहे थे, जो हदीस थी, वो एकदम गौर से सुन रहे थे, और अक्सर वो क्या करते थे, वो अपनी वापस जब घर जाते थे तो बीबी फातिमा जहरा सलवातुल्लाह अलैहा के साथ जाके शेयर करते थे कि आज पता है आपको नाना ने ये कहा, आज ये आयत नाजिल हुई, आज ये अच्छी बात सिखाई हमें, पूरी बात जाके तफसील से बीबी फातिमा जहरा सलवातुल्लाह अलैहा को बताते थे। और बीबी फातिमा जहरा सलवातुल्लाह अलैहा
बहुत ही गौर से और अच्छे से उनकी बात सुनती थी, बैठ के सब काम छोड़ छाड़ के। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद से आते थे तो बीबी फातिमा तो ज़रा सलावतुल्लाह अलैहा उनको बताती थी कि आपको पता है आज मेरे बाबा ने ये कहा, ये आयत नाज़िल हुई, ये हदीस सुनाई। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते थे कि बीबी आप तो नहीं आई मस्जिद, तो आपको कैसे पता कि आज ये सब हुआ मस्जिद में। तो बीबी फातिमा तो ज़रा सलावतुल्लाह अलैहा ने कहा कि जो हमारे बड़े बेटे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उन्होंने मुझे बताया और वो अक्सर जब भी आते हैं मस्जिद से तो वो मुझे सारी बातें बताते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए, बहुत प्राउड फील किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अगली बार क्या बात बताते हैं और कैसे बताते हैं, उनका लहजा कैसा है, मुझे भी सुनना है, मुझे भी बहुत खुशी होगी। अगली बार जब होता है तो जल्दी जल्दी वो मस्जिद से वापस आ जाते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम और पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और छुपके से सुनने की कोशिश करते हैं। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम आते हैं मस्जिद से तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम पूरी तफसील से बताने की कोशिश करते हैं बीबी फातिमा तज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकदम तफसील से, बट उनकी ज़बान लड़खड़ाती है, वो कॉन्फिडेंट में नहीं बोल पाते, डरे डरे से हैं। अपनी वालदा को बोलती हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे जो सरदार हैं मुझसे बड़े मुझे सुन रहे हैं, और शायद इसलिए मेरा आज लहजा ठीक नहीं है, मैं डर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। तब इमाम अली अलैहिस्सलाम पर्दे से बाहर आते हैं और बहुत खुश होते हैं, उनको इमाम हसन अलैहिस्सलाम को टाइट हग देते हैं और बोलते हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे घर के जो अहले बैत हैं उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए, और यही भी कि जो तुम्हारी जो आदत है कि आप आके आप सब अपनी मम्मी को बताते हो, बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को बताते हो, ये बात बहुत अच्छी लगी थी इमाम अली अलैहिस्सलाम को और उन्होंने बहुत तारीफ की और उनकी हौसला अफजाई की। अब आप मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा और आप क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं पेरेंट्स को, आप बताइए। हमें डरना नहीं चाहिए कोई बात बताने के लिए, भले वो डांटे हुए अपने को। जी हाँ, वेरी गुड, दैट्स माय पॉइंट। ये पूरा वाक्य बताने की मेरी जो पूरी कोशिश थी वो यही थी कि आज मैं आपको ये वाक्य बताऊँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करना है, एवरीथिंग, भले वो आपने सही किया हो या गलत किया हो। होता क्या है, अगर आप छुपाएंगे तो कोई और आके बता देगा और वो बात फिर बहुत ख़राब हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड कि आपके पेरेंट्स आपको चिल्लाते हैं लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को ये बात कन्वे कीजिए कि मम्मी प्लीज़ मुझे मत चिल्लाओ, शायद अगली बार मैं डरूंगा आपसे बताने के लिए, मैं चाहता हूँ बताऊँ आपको। ये बात आप अपने पेरेंट्स को जाके बताइएगा। और जो वालदैन मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि जब आपका बच्चा आपके पास आए, ये वाक्य बताने की मेरी पूरी कोशिश ही यही थी, मुद्दा यही था कि जब आपके बच्चे आपको आके बताए तो उनका हौसला अफजाई कीजिए, भले ही वो कोई भी बात हो उनको अच्छे से समझाइए, डरा के या झिड़की मत दीजिए या फिर अपने काम में बिजी हो के हाँ हाँ आप सुन रहे हैं लेकिन एक्चुअली नहीं सुन रहे वैसा मत कीजिए। बच्चों को बहुत बुरा लगता है, अगली बार वो बाहर जाके किसी के साथ शेयर करेंगे। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। और कोई आप बताइए। हमें हमारे मम्मी डैडी से कुछ बात छुपानी नहीं चाहिए, ये डर से नहीं बोलना चाहिए, ये डर नहीं रखना चाहिए कि वो मैं कुछ बोलूँगा तो वो चिल्लाएंगे, वो कुछ भी करते तो हमारे भले के लिए करते हैं। वेरी गुड। तो अगली बार जब आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो आपको जो डर है कि आपके पेरेंट्स आपको चिल्लाएंगे वो डर हटा दीजिए, ताकि वो जो बोल रहे हो शायद आपकी बेहतरी के लिए बोल रहे होंगे। और उनको ये एक्सप्लेन कीजिए कि ठीक है अगर आप मुझे चिल्ला रहे हो मुझे मत चिल्लाओ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन आप मुझे चिल्लाइए मत या मुझे झिड़की मत दीजिए, मैं फिर मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये बात उनको कन्वे अच्छे से बहुत रिस्पेक्टफुली उनको बताइए, ठीक है। पर बहुत अच्छा पॉइंट था कि जहाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ छुपाते हो वो उनके डर से वो मत कीजिए। जैसे मैंने कहा था जो आपके दिल में है वो सब बातें सारी एवरी सीक्रेट जो भी आपने बुरा किया आप अपने पेरेंट्स के साथ जाके शेयर कीजिए, इवन इफ दे शाउट एट यू। एक बार चलाएंगे, दो बार चलाएंगे, तीसरी बार आपको प्यार करेंगे। और अभी जब मैं अपने व्यूवर्स को बता रही हूँ तो डेफिनेटली कोई भी पेरेंट्स ये एपिसोड देखने के बाद अपने बच्चों को नहीं चिल्लाएगा, ठीक है। तो अगली बार आप बेझिझक होकर अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई आप बताइए। हमें हमारे पेरेंट्स से हर एक सीक्रेट शेयर करने चाहिए, चाहे हमने गलत किया है या सही किया है। अगर हमने गलत किया है तो हमें उनसे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो हमें कोई अच्छा सोल्यूशन दे। जी हाँ, प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, नसीहत दें या जो भी उनकी आप प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं उनके पास, आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके पेरेंट्स आपके उसका सोल्यूशन दें या अच्छे से सुने, आपको करेक्ट करें। ये हर बच्चे एक एक्सपेक्टेशन तो होती है लेकिन वो करेक्ट करने का एक तरीका होता है। आप झिड़की से करेक्ट करेंगे तो वो बच्चा अगली बार आपको बात बताएगा नहीं या फिर वो एडिट करके आपको बताएगा। अगर आप प्यार से कॉन्फिडेंस से अगर आप अपने बच्चे से पूछेंगे और सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे प्यार से तो बच्चा आपको शायद और 10 बातें और बताएगा। आप कोई अपने पेरेंट्स के साथ या कुछ पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा था इस वाक्य में दो पर्सनैलिटीज़ हैं, एक वालिदैन और एक बच्चे,
तो बच्चों की प्रॉब्लम्स तो हो गई, क्या कोई बताना चाहेगा अपने पेरेंट्स को या कुछ सोल्यूशन या कुछ एक नसीहत आप अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे? आप बताइए। जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ बोलता है तो फिर पेरेंट्स को भी चिल्लाना नहीं चाहिए या इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बात अच्छे से सुननी चाहिए। वेरी गुड। जैसे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनको आके बता रहे थे, वालिदैन को वालिदा को आके बता रहे थे, तो उन्होंने उनको टाइट हग दिया, एम्ब्रेस किया, उनको शाबाशी दी। ये नहीं कि ठीक है अच्छी बात है, ठीक है अगली बार थोड़ा और सुन के, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ बात सिखाते हैं या कुछ बात बताते हैं तो या तो आप उनको इनकरेज कीजिए, आपकी कोशिश होना चाहिए कि जब बच्चे अगर आपसे कुछ बात नहीं शेयर कर रहे हैं, अगर अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, आपसे अगर वो आके शेयर नहीं करते हैं तो क्यों ना आप ही इनिशिएट लें और उनसे पूछें, सब काम छोड़ के उनसे पूछें कि आज क्या हुआ दोस्त के पास, आज क्या बात हुई अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में क्या हुआ, आप ये इनिशिएट लीजिए, देखना आपके और आपके बच्चों का जो फासला है वो कम हो जाएगा, जो दूरियां हैं वो मिट जाएंगी। ये कोशिश आपको करना है, वालिदैन को करना है। बहुत अच्छा पॉइंट था। जैसे कि बीबी फातिमा तो ज़रा सलवातुल्लाह अलैहा ने हमें सिखाया है, तरीका बताया है कि जहां इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनके पास आ रहे थे, क्या बीबी फातिमा तो ज़रा को नहीं पता था, उनको इल्मे गैब था, उन्हें सब पता था, लेकिन आप इतने इंटरेस्ट के साथ इसलिए सुन रही थी ताकि हमको एक मैसेज मिल सके कि जब कोई बच्चा आकर आपको आके कुछ बताता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ध्यान से सुने, इंटरेस्ट लेके सुने। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, आई एम वेरी हैप्पी। और कोई, आप बताइए। हमें हर गलत चीज़ जो हमने किया वो सब पेरेंट्स को बताना चाहिए, अगर वो गलत चीज़ और बढ़ जाए और अपने और पेरेंट्स तक अपने आप पहुँच जाए तो हमें और डांट सुननी पड़ेगी। जी हाँ, वेरी गुड। अगर सोचिए कि अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ कुछ छुपाया और बाहर से उनको आके बात पता चली, अगर आपके अंकल ने या पड़ोसी ने बता दिया अरे पता है वो सब गलत हो रहा था, तो आपको कितनी पड़ेगी, है ना? यही बात अगर आप अपने पेरेंट्स को जाके खुद बता देंगे कि ठीक है मम्मी मैंने ऐसा सा किया था, मुझे मालूम है मुझसे गलती हो गई, सॉरी अगली बार नहीं होगी, तो शायद उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर के लोग आके बोलेंगे तो वो गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो ये मत होने दीजिए, ये गलती कभी मत कीजिए। हाँ, ये एक टिप दे रही हूँ मैं आपको कि अगली बार कुछ भी आप गलत करते फौरन जाके मम्मी को बोल दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो पड़ोसी के तो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, अगली बार कोई भी गलत बात हुई है, कोई भी गलत काम तो करना नहीं चाहिए, अगर आपने किया तो फौरन जाके अपने वालिदैन को बता दो, सेफ रहोगे आप एटलीस्ट। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए। हमारे से कई बार गलतियां हो जाती है, मगर ये नहीं हो कि हमें उन्हें बोलना नहीं चाहिए पेरेंट्स को और वो बढ़ जाए। जी हाँ, हमें प्रॉब्लम्स हर बच्चों को होती है, उनके साथ डिफिकल्टीज आती हैं, ऐसी कई सारे सीक्रेट्स होते हैं जो वो कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, गुस्सा होगा नहीं ये नहीं बताती, अरे बहुत पड़ेगी, वो मत कीजिए। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। और लिसन केयरफुली, गौर से सुनिए, आपके फ्रेंड्स बाद में आते हैं, पहले आपके पेरेंट्स आते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले आप अपने पेरेंट्स को जाके बताइए, भले वो चिल्लाएंगे लेकिन आपके लिए अगर कोई खड़ा होगा तो वो सिर्फ वालिदैन है। गेट इट राइट, कोई खड़ा नहीं होगा आपकी मुश्किलात में। तो आप कुछ भी प्रॉब्लम है, बढ़ने से पहले बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स को बता दें। और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही आपके बच्चे आपको बताते हैं, आई अंडरस्टैंड कुछ बातें बहुत गलत हो जाती है, लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, प्यार से मोहब्बत से उनसे बात कीजिए और उनको सोल्यूशन दीजिए। वेरी गुड। आज ही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग थी, है ना? Yes. है ना, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा यह वाक्य, तो मैंने सोचा मैं ये वाक्य जरूर अपने बच्चों को बताऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वाक्य मैं और लेकर आऊंगी आपके लिए, लेकिन सीजन टू के लिए, बहुत जल्द सीजन टू आ रहा है, आप जानते हैं? Yes. एक्साइटेड हैं आप? Yes. आपको पता है सीजन टू में नई चीजें होंगी, सब कुछ नया होगा, नए टॉपिक्स होंगे, नए एडवेंचर होगा, नए गेम्स भी होंगे। आर यू ऑल रेडी? Yes. Even I am ready and I can't wait for season 2. जी हाँ मेरे बच्चों, JK यानी कि Just for Kids season 2 आ रहा है बहुत जल्दी। नई चीजें होंगे, नया सेटअप होगा, सब कुछ नया होगा, नए कहानियां होंगे, डिड यू नो नया होगा, सब कुछ नया होगा, नए खिलौने होंगे, नई मस्ती होगी, नया जोश होगा, नया सबक होगा। जी हाँ, उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में, जहां पर हमारे पास दो टीम्स मौजूद हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारे बच्चे कितने तैयार हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। हम पहले आपसे इस्लामिक सवाल करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज।
बॉयज आपके लिए हमारा पहला सवाल है, जनाब मोहसिन इब्ने अली की शहादत किस तारीख को हुई? अब जानते हैं जनाब मोहसिन इब्ने अली कौन है जी, बताइए। मोहसिन इब्ने अली वाज द सन ऑफ बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो बेटी जिनकी शिकम में ही शहादत हुई थी, जैसे कि हम सब जानते हैं उन पर चलता हुआ दरवाज़ा गिरा था, उनकी शिकम में ही शहादत हो गई थी, तो उनकी जो शहादत की तारीख है वो आपको हमें बतानी है कि कौन सी है जी, बताइए। फर्स्ट रबी अव्वल। वेरी गुड, इट इज़ फर्स्ट रबी अव्वल। फर्स्ट रबी अव्वल को उनकी शहादत हुई थी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आप हमें बताइए कि इमाम हसन अल अस्करी अलैहि सलाम की शहादत किस तारीख को हुई थी? हम सब जानते हैं कि इमाम ज़माना का जो इमामत डे है वो किस तारीख से स्टार्ट होता है, आप जानते हैं जी, बताइए अब्बास। 9th रबी अव्वल। 9th रबी अव्वल, वेरी गुड। 9th रबी अव्वल को क्या है? इमामत डे है। यस, इमामत डे है किसका? इमाम ज़माना का। इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फरजहु शरीफ का। और इमाम हसन अल अस्करी अलैहि सलाम की शहादत की क्या तारीख है जी, बताइए अब्बास। 8th रबी अव्वल। वेरी गुड, 8th रबी अव्वल। और नेक्स्ट डे से इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फरजहु शरीफ की इमामत डे शुरू हुई थी। एंड विच इज़ ऑल्सो व्हाट गर्ल्स, आप बताइए 9th रबी अव्वल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं जी, गर्ल्स बताइए। ईद ज़हरा। वेरी गुड, हम ईद ज़हरा भी सेलिब्रेट करते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़। बॉयज़ आप हमें बताइए मर्गे यजीद किस तारीख को मनाया जाता है, आप जानती हैं फातिमा, बताइए। 14th रबी अव्वल। वेरी गुड, इट इज़ 14th रबी अव्वल। हु वाज़ यजीद? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल। यस, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल, दुश्मन अहले बैत, दुश्मन इस्लाम जो है वो है यजीद। ओके, वेरी गुड। गर्ल्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू। आप हमें बताइए कि किस इमाम का रोज़ा मस्जिद मुकद्दस में है जी, वफ़ी के अलावा कोई बता सकते हैं? अरिशा बता सकती हैं? हमारे आठवें इमाम का जो रोज़ा है वो मस्जिद मुकद्दस में है। सना आप हमें बता सकती हैं हमारे आठवें इमाम का नाम क्या है? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है वो मस्जिद मुकद्दस में है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़। बॉयज़ आप हमें बताइए कि 11th इमाम का रोज़ा किस मुल्क में है, आपके अलावा, अब्बास आपके अलावा। 11th इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा किस मुल्क में है जी, बताइए। जैन सामर्रा में है। सामर्रा कहाँ है? इन इराक। वेरी गुड, इट इज़ इन इराक। अब हम बढ़ेंगे हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज़। आपसे ही हम स्टार्ट करेंगे। बॉयज़ आपके लिए हमारा पहला सवाल है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इज़ अ वेरी फेमस साइंटिस्ट और इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, आप जानते हैं मोहम्मद हसन, बताइए। विक्रम साराभाई। वेरी गुड, ही इज़ विक्रम साराभाई। वैसे हु वॉज विक्रम साराभाई? साइंटिस्ट। यस, ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ इनोवेटर, और इन्हें इनके वर्क के वजह से इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया गया था। ओके, वेरी गुड मोहम्मद हुसैन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आप हमें बताइए विच इज़ द बिगेस्ट प्लानट इन अ सोलर सिस्टम? हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है? सना आप जानती हैं, बताइए। जुपिटर। जुपिटर, आई श्योर जुपिटर, नॉट अर्थ, वी स्टे ऑन अर्थ, अर्थ भी हो सकता है ना, जुपिटर है, आई श्योर इट इज़ जुपिटर? यस, यस यू आर राइट, इट इज़ जुपिटर। जुपिटर इज़ द 5th प्लानट फ्रॉम द सन एंड इट इज़ अ जॉइंट प्लानट विद अ मास ऑफ 1000 दैट ऑफ द सन। यू आर राइट सना, वेरी गुड, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लानट इज़ जुपिटर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर बॉयज़। बॉयज़ आप हमें बताइए कि पॉपुलेशन वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जी, मोहम्मद हुसैन आप बताइए। टोक्यो। आर यू श्योर टोक्यो? यस, यस इट इज़ टोक्यो, वेरी गुड। पॉपुलेशन वाइज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है वो है टोक्यो। आप जानते हैं टोक्यो किस कंट्री में आती है जी, मोहम्मद हुसैन आप बताइए। जापान। जापान, वेरी गुड, जापान की जो सिटी है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस, और चाइना जो आपने बोला इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आप हमें बताइए हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट कौन थी एंड शी इज़ द ओनली प्रेजिडेंट, वुमेन प्रेजिडेंट अप टिल नाउ जी, अरिशा बता सकती हैं? डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। वेरी गुड, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल,
She was the 12th president of India, and up till now she is the only woman president of India. Very good, Arisha. Now my next question is for boys. Boys, aap hume bataye, which state is the biggest state in the US? How many states does US have? 50 states. Very good. US have 50 states. Aapko hume batana hai ke which is the biggest among them? Area wise bataiye pehle. Ji. Jante hain bataiye, Mohammad Hasan. Alaska. Very good. Alaska is the biggest state in the US area wise. And which is the biggest state population wise? Koi janta hai? California is the biggest population wise and Alaska is area wise. Very good, Mohammad Hasan. Now my next and last question for girls is, the country which ranks second in terms of land area is? Area wise you have to tell me. Which country ranks second? Ji Fatima, bata sakte hain hum? Canada. Canada, are you sure? Yes. Area wise Canada second aati hai. Haan. Which is the first? Russia. Very good. You're so confident, mashallah. You are right. Canada is the second largest country area wise. Aap dono teams ne bakhubi se hame answer kiye, mashallah, very nice. Nazim, ye tha hamara segment, did you know? Aaiye ab badhte hamare third interesting segment ki aur dekhte hain kya hai khaas hamare segment mein hamare bachchon ke liye. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डियर व्यूअर्स, सलाम अलैकुम. आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. आज अमेजिंग फैक्ट्स में हम एक ऐसे मकबूल पालतू जानवर की बात करने जा रहे हैं जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है. एक ऐसा जानवर जो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड कहा जाता है. वन ऑफ द एनिमल्स विच इज सेट टू बी द मोस्ट लव्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. सो किड्स, आप हमें ये बताएं कि आपको कौन सा पालतू जानवर पसंद है. आप बताएं. Pigeons. Pigeons. Good. Goat. Goats. Goats. Okay. Lovebirds. Lovebirds. Fish. Fish. Very good. Persian cats. Persian cats. Okay. Nice choice. Cats. Cats. Very good. Tortoise. Tortoise. Okay. Dogs. Dogs. मतलब आप तमाम को काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन हमारे पास दो ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें कैट्स पसंद है. तो आज के जो हमारे फैक्ट्स हैं ये भी कैट्स से ही जुड़े हुए हैं. कैट्स आर सेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लव्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. और ये काफ़ी ज़्यादा सालों से ह्यूमंस के साथ एसोसिएटेड भी हैं. हम काफ़ी हज़ार सालों से इन्हें डोमेस्टिकेट करते आ रहे हैं, इन्हें पालते आ रहे हैं. तो क्या आप कैट्स से जुड़े फैक्ट्स को जानना चाहेंगे? Yes. क्या आप जानते हैं किड्स यानी कि बिल्लियाँ इंसानों के मुकाबले अर्थक्वेक या जो भी दूसरी कुदरती आफतें होती हैं, ये जब आने वाली होती है तो इंसान जब जानते हैं उससे 10 से 15 मिनट पहले ही जान लेती हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल? ये इसलिए मुमकिन है, इसीलिए पॉसिबल है वफी, के जो कैट्स होती है वो कई तरह की जो आवाज़ें होती हैं जो हम इंसान नहीं सुन पाते हैं, वो ये कैट्स सुन भी पाती हैं और इसे एनालाइज भी कर पाती हैं. इसीलिए जब जलजला या अर्थक्वेक आने वाला होता है तो हमें पता चलने से पहले ये कैट्स को 10 से 15 मिनट पहले ही पता चल जाता है. अब जैसे कि हमने बात की आवाज़ों की, तो आप हमें यह बताएं कि कैट्स कितनी तरह के साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, कितनी आवाज़ें निकाल सकती हैं? आप बताएं जैन. 5 to 6. नहीं, कैट्स तकरीबन 100 से ज़्यादा किस्म की आवाज़ें निकाल सकती हैं. जबकि अगर हम बात करें डॉग्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ये भी सिर्फ 10 तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं. लेकिन कैट्स कम्युनिकेट करने के लिए, अपने इमोशंस का इजहार करने के लिए तकरीबन 100 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल सकती हैं. That's amazing. Yes, it is. और इतना ही नहीं, आज दुनिया भर में तकरीबन 50 करोड़ पालतू बिल्लियां मौजूद है और इसकी तकरीबन 40 किस्में यानी 40 स्पीशीज भी है. Wow. अच्छा, आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज अ मेल कैट कॉल्ड? आपको बताएं, बताएं. टॉम. टॉम. व्हाई टॉम? आई एम नॉट श्योर, बट एक्चुअली एक कार्टून भी आता है, टॉम एंड जेरी. सो यस, आपका अंदाजा सही है. टॉम एंड जेरी कार्टून में टॉम को टॉम ने भी शायद इसीलिए दिया गया है ताकि मेल कैट्स आर कॉल्ड टॉम. अभी अगर हम बात करें फीमेल कैट्स की, तो व्हाट इज अ फीमेल कैट कॉल्ड? क्वीन. क्वीन. वेरी गुड. फीमेल कैट्स को क्वीन और मॉली दोनों कहा जाता है. अब अगर हम बात करें यंग कैट्स की यानी कैट्स के बच्चों की, तो इन्हें क्या कहा जाता है? आप बताएं मोहम्मद हुसैन. किटन्स. किटन्स. बिल्कुल ठीक, इन्हें किटन्स कहा जाता है.
वैसे जब हम सब थक जाते हैं तो हम क्या करना पसंद करते हैं? When we are very tired, what do we do? Sleep. Yes, we sleep. For how long we sleep? 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. अब आप हमें ये बताएं कि बिल्लियां कितना सोना पसंद करती हैं? आप बताएं, फातिमा? 12 hours. Yes, they sleep for 12 to 15 hours in a day. यानी ये सोने को काफी ज्यादा पसंद करती है. अब आप हमें ये बताएं कि वो कौन सी चीज है जो कैट्स को ह्यूमन से कनेक्ट करती है? एक ऐसी चीज जो हम ह्यूमंस में और कैट्स में कॉमन पाई जाती है. बताएं मोहम्मद हसन. वो हमारी तरह फील कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक. कैट्स में ह्यूमंस की तरह एहसासात पाए जाते हैं. यानी कि इफ यू आर एक्सप्रेसिंग लव टू अ कैट, वो इस बात को भी समझेगी. या फिर आप अगर उसे झिड़क रहे हो एक जानवर को, तो उसे इस बात का भी एहसास होता है. इसीलिए हमें इस चीज को लेकर बहुत कॉशियस रहना है कि हम बीट अ कैट या कोई भी जानवर हो, हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है. एग्जैक्टली. याद रहेगा? यस. आप कुछ जानना चाहती है अरीशा? पूछिए. कैट्स अगर बिल्डिंग से या फिर कहीं से भी जंप करता है तो उन लोग को लगता क्यों नहीं है, फिर वो मरते क्यों नहीं है? ओके. कैट्स ऐसी होती है, इनकी मेकिंग इस तरह की होती है कि अगर ये बहुत ही ज्यादा हाइट से जंप करें या गिर जाए तो ये अपने पैरों पर ही लैंड होती है. पहली वजह ये है. और दूसरी वजह यह है कि कैट्स में शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से इन्हें लगता नहीं है, इन्हें चोट नहीं लगती है और ये मरती नहीं है. ओके. एनी अदर डाउट्स? नो. मैंने बहुत बार देखा है कि कैट्स को वाटर पसंद नहीं होता. राइट. कैट्स को वाटर एक्चुअली पसंद नहीं होता, ये पानी से दूर रहना पसंद करती हैं. बिकॉज ऐसा होता है कि जब कैट्स भीग जाती है या जब ये पानी में होती हैं, तो इनके जो पॉज है, इनके पॉज वो पूरी तरह फंक्शन नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ी इरिटेटेड हो जाती हैं और पानी से दूर रहना प्रेफर करती हैं. क्या आप में से कोई ये जानता है कि कैट्स का वजन कितना होता है? बताएं जैन. 13 to 14 kg. नो. आप बताएं मोहम्मद हुसैन. 4 to 5 kg. 4 to 5 kgs. राइट. कैट्स का वजन तकरीबन 4 से 5 किलो का होता है. एंड द हैवीएस्ट कैट ऑन द रिकॉर्ड इज 20 kgs. और इनकी जो हयात होती है, इनकी जिंदगी होती है, वो तकरीबन 12 से 15 साल की होती है. ये तमाम बातें आपको याद रहेगी? यस. व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ होगा. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर रब्ता कायम कर सकते हैं. साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बहुत ही जल्द जस्ट फॉर किड्स अपने सीजन 2 के साथ आने वाला है आपकी टीवी स्क्रीन्स पर. हमारे सीजन 2 में मुंबई में मौजूद बच्चों के अलावा दुनिया भर में जहां से भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहे, ये कर सकते हैं. और ये किस तरह होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए चैनल विन. इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ. पैगामे इंसानियत. शुक्रिया.